नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हरियाणा शहरी आवास योजना के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ ड्रॉ निकाले गए थे, जिसमें 30-30 गज के प्लॉट जो हैं वो लोगों को दिए गए थे। BPL श्रेणी के जो लोग थे उनको वो प्लॉट आवंटित किए गए थे, और आवंटित करने के बाद उनको जो उनका जो लेटर जो था वो लेटर भी उनके द्वारा कहीं ना कहीं दे दिया गया था, और उसके लिए जो है जो कुछ पैसे भी उनके द्वारा भराए जा रहे थे। तो आज उसी चीज़ को लेकर के एक रोष जो है लोगों के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर एकत्रित हैं, जिनके 30-30 गज के प्लॉट यहाँ पर निकले थे, और आपको मैं यहाँ पर उनका यहाँ पर लेटर भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, हरियाणा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के द्वारा जो है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो ये अलग अलग प्लॉट जो दिए गए थे, 30-30 गज के ये प्लॉट थे, और 30 गज के प्लॉट्स में लगभग 1 लाख रुपए जो है वो भरवाया गया था, भरवाया जाना है बल्कि 10,000 रुपये भरवाए गए थे, जिसमें से अब 90,000 रुपये जो हैं वो अभी बाकी हैं। अब 90,000 रुपये को भरने के लिए कुछ 7 महीने का जो समय है शायद वो दिया गया है इनको, और 7 महीने के समय के दौरान में यहाँ पर लोगों का कहना है कि किस प्रकार से वो अपना जो पैसा है वो किस प्रकार भरेंगे, क्योंकि पहले ही वो BPL श्रेणी में आते हैं और BPL श्रेणी में हमारे पास इतनी इनकम नहीं है। तो लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। जी भाई साहब, नाम क्या है? शंकर लाल। क्या समस्या आ गई है? समस्या ये है जी, मैं BPL श्रेणी में हूँ, अगर मैं ये पैसे भरता हूँ तो मेरे को BPL श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा कि 6 महीने में आप कहाँ से ले आए इतने पैसे। मेरी 1,80,000 इनकम बता रखी, उससे भी कुछ शायद कम हो, इसलिए मेरे को आपकी फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम है, इसीलिए मेरे को प्लाट मिला है। अब मैं यहाँ रेडी लगाता हूँ, मेरे पूरे महीने की कमाई 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये मैं अपना परिवार का लालन पालन करूँ या इनको दूँ। सरकार ने ये प्लाट हमको 10,000 रुपये में ही देना चाहिए। सरकार अगर कह रही है भाई ठीक है, गरीबी तेजी है, बहुत अच्छी सरकार है, तो ये 10,000 में प्लाट दे देना चाहिए हमारे को। तो जब फॉर्म भरा था उस दौरान में 10,000 जब भरवाए गए थे, और बाकी के लिए कहा गया था कि बाद में भरने पड़ेंगे, तो उस दौरान आपने क्यों नहीं सोचा इस बारे में? उस दौरान हमें कुछ पता नहीं था, किस्तों का ये नहीं था कि आपको इतनी भरनी पड़ेगी। हम तो 1,000 या 2,000 रुपये किस्त भर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी तो नहीं है जी। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अब जब प्लॉट निकल चुके हैं, 10,000 रुपये जब फॉर्म भरे गए थे उस दौरान में भरे गए थे, और उसके बाद 90,000 रुपये जो बचे थे उसमें से 10,000 रुपये की एक किस्त भरनी है, और बाकी जो 80,000 है उसको 6 बराबर किस्तों में बांटा गया है, और उन बराबर किस्तों को यहाँ पर भरा जाना है। लगभग 13-13,500 रुपये की किस्त एक बन रही है, और उसको किस प्रकार से लोग भरेंगे इसका कहीं ना कहीं इन लोगों को एक शक है कि भाई भर भी पाएंगे या नहीं, ऐसे में लालन पोषण उनका परिवार का कैसे चलेगा। जी कितना कमाते हो? ये 8-9 हज़ार रुपये कमाओ जी रेडी में। 8-9 हज़ार? हाँ। तो 13-13,500 की तो एक महीने की किस्त ही हो जाएगी। मुश्किल है जी, नहीं भर पाऊंगा। घर परिवार? घर परिवार बड़ी मुश्किल से चल रहा है, किराया का मकान है जी। जी। और फिर इसमें तुम्हारा ये कौन हो, घर खर्चा पूरा जी। हाँ, तो अब सरकार ने तो कह दिया है कि भाई ये आप भरें, तो क्या लगता है भर पाओगे? नहीं भर पाएंगे, नहीं ये अब ये डीलर आएंगे कह देंगे लिया भाई तू नहीं भर पाओ तो हम भर देंगे। अच्छा। वो ऐसे ही चले जाएंगे, मतलब प्लॉट ही बिक जाएगा। हाँ, बिक जाएगा, गरीब के पल्ले कुछ नहीं मिलना जी। तो कहीं ना कहीं एक भव्य उद्देश्य योजना कहीं ना कहीं बताई जा रही थी कि गरीबों को कुछ मिल पाएगा, लेकिन अब गरीबों को यहाँ पर एक डर सता रहा है कि जब कोई दूसरा ही उनसे प्लॉट ले जाएगा तो क्या किया जाएगा। जी प्लॉट निकला था? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयचंद जी। और कहाँ से हैं? चरखीदाल जी से ही। तो अब क्या लग रहा है पैसे भर पाओ? ऐसा जी, पहले फार्म भरा उस टाइम 10,000 भरवाए गए थे, उसमें किस्त का तो समय समय दिया ही नहीं गया था जी, जैसे अब समय टेक दिया गया, तो इसमें जी परिवार का गुजारा नहीं हो रहा। BPL परिवार शरण से ऐसे आते हैं, हमारा पूरा यानी घर में कोई कमाओ तो फिलहाल है ही नहीं, सिर्फ माँ बाप की पेंशन के सारे घर का चल रहे हैं। ठीक है। हाँ, और प्लॉट इतना जाके जैसे इतना दे जाके इसमें जी एक महल बन जाए, मंत्री इतना मंत्री की गाड़ी खड़ी को नहीं हो है, उनका हमारे साथ मजा कर लिया, हमारे साथ मजा जब भाई रहे दणकोसा घेर लियो रहे, और तो किम गए कोई क्या बकरी बांध लिया अपनी और सेक्टर में प्लाट दे दिया। सर तुमने कंडीशन रख दी, तो सर ये कंडीशन हमारे से पूरी नहीं होंगी जी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, और सभी के सभी लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार के द्वारा उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, अब उस प्रकार से उन किस्तों को भर पाना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल रहेगा। जी कुछ कहना चाह रहे हो? जगह भी तो बिल्कुल क्या दिए जी, जब मंत्री कार्ड नहीं निकली हो और हम उसमें मार चार पाएंगे इसमें। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं तो आप लोगों के सर पर छत देने के लिए कहीं ना कहीं वो जमीन दी है। ऐसा सर पर छत देने के लिए तो मान लो इसमें 30 फुट गहरा और 15 फुट चौड़ा में बने क्या ये बताइए, उसमें क्या बनेगा? उसमें जी एक कमरा तो बनेगा, एक कमरा बन जाए, कमरा छोरा ब्याह आगे फिर उसकी बहू कितने की बाढ़ तो उनकी छोड़ देंगे हमने, क्या किराया पड़ेगा या हम किराए पर हमें? और सब कंडीशन उन्होंने रख दी, बैठे में ये बनाना इतना बनाना पड़ेगा, उस टाइम इतना बनाना पड़ेगा। और जब किस्त फार्म भरे गए थे उस टाइम किस्त का तो कोई जिक्र ही नहीं था। अच्छा हाँ, और अभी न समय टेक दिया भाई छह महीना। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर किस्त भर पाए तो आप लगभग कितनी किस्त भर सकते हैं? ऐसा जी किस्त तो मान ले भरते हैं, हमने तो कटोरा लेके पहले भीख मांगनी पड़े फिर किस्त भरे जाएगी। कोई 1000-2000 रुपए की भी अगर सरकार किस्त? बिल्कुल नहीं जी, 6000 रुपए मेरा घर का काम चल रहा है जी, मेरे परिवार में हम 9 मेंबर हूँ जी, 6000 में काम चल रहा है, तो बताओ किस्त कैसे भर देंगे जी? किस्त भरने में कहीं ना कहीं असमर्थता है जी, आप कितनी किस्त भर सकते हैं? मैं तो 1000 रुपये भर सकता हूँ, इसके ऊपर तो मेरी कोई 1000-1200 से किसी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो रेहड़ी लगाता है ना जी वो घर का खर्चा भी चलाता है, बच्चों का भी चलाता है, पढ़ाई का भी है जी। लेकिन ये चीज तो सरकार को भी शायद पता होगी ना? पता है, सरकार को क्यों नहीं पता, क्योंकि 1,80,000 से नीचे की इनकम वालों को ही दिए गए हैं, इनकम को कम वो बढ़ा करके दिखाना चाहते हैं। अच्छा हाँ, वो क्या बात, आप लोगों को मतलब बीपीएल श्रेणी से निकालना चाहते हैं? श्रेणी से मेरे हिसाब से बाहर निकाला जाएगा। अच्छा, शक है आपको? हाँ शक है मेरे को जी, कहीं ना कहीं देखिए शक है कि कहीं ना कहीं इनका बीपीएल का जो एक टैग है वो भी कहीं ना कहीं छिन जाए। तो बीपीएल श्रेणी से निकलना तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है, कमाई तो नहीं है, रेडी लगाने वाला क्या करेगा आप बताओ, रेडी लगाने वाला क्या करेगा? अगर हम भरते हैं तो क्योंकि आप बीपीएल में कहाँ हो फिर, आपने पैसे एक मुश्त भर दिए तो कहाँ से? ये 10 उधार लेकर के भी नहीं भर पाए? 10,000 रुपये मैंने उधार लेके किसी भाई से मांग के भरा था, ये फार्म भरा उस दिन 10,000 रुपये मैंने किसी से मांग के लिए थे, अब तक नहीं दिए वो 10। ठीक है, आगे कहाँ बच्चे पढ़ते हैं मेरे, घर का खर्चा है। 80,000 रुपये किसी गुट्ठे तो लगा के ना ठा के ले आने पड़ेंगे जी, 10-13,000 रुपये गुट्ठा टेक टेक के ले आने पड़ेंगे। वो तो आप जो उनका है धीरे धीरे चुका ही दो। हाँ धीरे धीरे चुका दे, लेकिन गुट्ठा टेक के ले आने पड़ेंगे जी। मतलब आप ये तो कह सकते हो कि भाई आप किस्त भर सकते हो फिर? हाँ गुट्ठा टेक के भरांगे जी, और के भरा उसे तो भरी नहीं जाओगे तो वो तो काफी महंगा पड़ जाएगा आप लोगों को, प्लॉट ब्याज पे लेना पड़ेगा जी। ठीक है, वो तो महंगा पड़े तो गाय जी जी जी। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि काफी बड़ी समस्या इन लोगों के साथ है, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिनके पीपीएल के प्लॉट निकले हैं, और बाकायदा यहाँ पर एक जो आवंटन पत्र है वो यहाँ पर लेकर के साथ में खड़े हैं ये, और इस आवंटन पत्र के अनुसार इनको जो 30 गज का जो प्लॉट है वो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो किस्तें हैं उनको भरने में बड़ी असमर्थता यहाँ पर जताई जा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं वो किस प्रकार से 1,00,000 रुपये जब मान लीजिए 90,000 रुपये भरने हैं, 1,00,000 रुपये का टोटल प्लाट बताया जा रहा है, क्योंकि 10,000 रुपये पहले भरवा लिए गए थे, तो अब ये कैसे भर पाएंगे इसकी बड़ी एक चीज़ यहाँ पर है। तो इस बारे में कहीं सरकार से कहीं प्रशासन से कोई गुहार लगाना चाहेंगे? हाँ प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार हम तो, इसीलिए तो आपको बुलाया जी। जी प्रशासन से हमारी गुहार है, सरकार ठीक है गरीबों की तेजी है, मगर ये जरूर करे कि हमारे को फ्री प्लाट दिया जाए, कुछ भी न भराया जाए, अगर हम ले आएंगे कैसे पैसे तो हमें तो ब्याज पे ही ले आकर बैठने पड़ेंगे, हमारे पास नहीं है देने को। तो अभी सरकार से मिलने भी पहुंचेंगे क्या? सरकार से मिलने पहुंचेंगे? मिलने पूछ रहे हैं, मिलने पहुंचेंगे जी, मिलने पहुंचोगे सर जी? मिलने पहुंचेंगे सर जी जी जी, डीसी महोदय से मिलेंगे सोमवार को। अच्छा हाँ, तो कोई ज्ञापन वगैरह के माध्यम? ज्ञापन वगैरह देंगे हम मिलके, अब भाई इतना सही किया जाए गरीब आदमी के लिए जी। तो यहाँ पर ज्ञापन भी देने की कहीं ना कहीं बात कही जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर ही जो तमाम जो दामोदार है वो सरकार के ऊपर है। हालांकि लोगों को प्लॉट दे दिए गए हैं, लोग अपने आवंटन पत्र लेकर के अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्लॉटों का उनको कब्जा मिलेगा, लेकिन कब्जा लेने से पहले उनको पैसा भरना पड़ेगा, और पैसा जो है वो भरने के लिए इनके पास अभी है नहीं, जिसके लिए ये बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अब पैसा भरें कैसे, क्योंकि इनकम ही इतनी नहीं है, और अब कहीं ना कहीं जब ये रेहड़ी
रेहड़ी लगा के गुजारा कर रहे हैं, तो ऐसे में स्थिति ये बन गई है कि अगर किसी से उधार लेकर के बनाएंगे, उस किस्त को भरेंगे, तो जो उधार का जो पैसा है वो इनको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो अब देखना है कि किस प्रकार से जो इनका समाधान निकलेगा। हालांकि एक बात इनके द्वारा यहां पर स्पष्ट कह दी गई है कि प्रशासन के माध्यम से सरकार तक वो अपनी जो गुहार है वो पहुंचाएंगे कि या तो इनको प्लॉट फ्री दिए जाएं या फिर उनकी जो किस्त हैं वो कम की जाएं। देखना होगा क्या कुछ आगे से फैसला निकल के आएगा और क्या कुछ इनके द्वारा यहाँ पर आगे जब ये ज्ञापन भेजेंगे या जो भी अपनी शिकायत भेजेंगे तो उसमें क्या कुछ वहाँ से समाधान निकल के आता, देखना होगा। अब तक लगातार जो तमाम जो चीज़ें हैं वो हम पहुँचाएंगे। आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, अगले कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।